मालेगांव शहर के अंदर पिछले 3-4 महीनों से शहर का वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है और अभी मैं सुना हूँ कि 2 जुलाई को नीतीश राणी जी आमदार बीजेपी के मालेगांव तहसील ला रहे और उनके साथ पुणे के पास क्या वो पीछे घटना घटी क्या बोलते हो भीमा कोरेगांव वहाँ भी वो बीजेपी के कोई नेता था उस टाइम वो घटना के अंदर वो थे वो भी शायद तहसील ला रहे ऐसा उड़ती रिपोर्ट है। और ये बीजेपी का एक मैं समझता हूँ मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर ये एक प्लानिंग चल रही और बल्कि बीजेपी के साथ साथ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो शिंदे ग्रुप के जो आज के सीएम साहब है उनके लोग भी उसके अंदर कहीं ना कहीं शामिल रहते हैं और ये दोनों मिलकर के ये घटना घड़ाने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर कहीं भी अगर आप लोग हम लोग अगर देखते होंगे अखबारों की न्यूज़ जो है या प्रिंट मीडिया की जो न्यूज़ है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो न्यूज़ है पिछले 4-5 महीनों के अंदर कई शहरों के अंदर कई घटना घट चुकी और मालेगांव शहर के अंदर आज से 7-8 दिन पहले भी बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि पीछे जो गढ़ की यात्रा थी उसके जो श्रद्धालु यात्रा पूरी यहाँ से जा रहे थे मालेगांव शहर से होते हुए नवी बात नहीं थी ये बल्कि हमारे बचपन से हम लोग देख रहे हैं मालेगांव शहर के अंदर यहीं से वो लोग जाते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से कुछ घटना घटाने की कोशिश उस वक्त भी की जा रही वो बेचारे अपने अच्छे ढंग से गढ़ की यात्रा के लिए जाते थे माँ और बहनें भी और भाई भी बुज़ुर्ग भी रहते थे जब भी छोटी मोटी गाड़ियाँ जाती थी जैसा जैसा वक्त आया वैसा चलन रहा और ज़्यादातर पैदल ही जाते थे। पिछले साल भी जो यात्रा गई जब भी बहुत बड़ी साजिश थी लेकिन मालेगांव शहर की अमन पसंद हिंदू मुस्लिम भाइयों ने उस घटना को एक तरीके से रोका। अभी 7-8 दिन पहले मौसम पुल की जो अहले हदीस मस्जिद है वहाँ जो बड़ का झाड़ है वहाँ पे कुछ ना फसादियों ने बोलेंगे या कुछ जातिवाद लोगों ने वहाँ पे एक बड़ा घंटा बांध दिए थे बड़ के झाड़ पे। और मुझे हमारे कोई साथी का बंदे का फ़ोन आया वहाँ नमाज के लिए गए तो उसके बाद फिर एक दूसरे को खबर लगी तो मेरे को फिर आपके ही पत्रकारों में से एक का फ़ोन आया और बाकायदा फ़ोन आया तो आसिफ भाई तो मुंबई में थे फिर मैंने एडिशन साहब को DYSP मालेगांव हद्दी के इनको दोनों को फ़ोन करके बोला भी वहाँ जा कर के वो घंटा उस वहाँ से निकालिए वरना वहाँ पे हनुमान चालीसवा या वो हिंदू भाई का एक वो एक मजहबी तरीका है हनुमान चालीसवा पढ़ना या कहीं भी पूजा करना। लेकिन उन्होंने एकदम मस्जिद के बाजू में जो बड़ का झाड़ है और बाकायदा वो झाड़ जो मस्जिद की जगह के ऊपर है लेकिन फ़ोन करने के बाद में उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिए एडिशनल SP ने और DYSP मालेगांव और तालुका DYSP और छावनी पुलिस स्टेशन ने उतनी रात को वो उन्होंने वो घंटा वहाँ से निकाले। अब एक नवी खबर आई कि 2 जुलाई को राणे जी आ रहे नीतीश राणे जी। अब मैं समझता हूँ कि जब से सरकार बदली आज 1 साल हुआ बदलने को बराबर 1 साल हो गया है आज पूरा। आज के जो पालक मंत्री नासिक ज़िले के हैं और कल के पालघर के पालक मंत्री थे
लेकिन इन्होंने कभी अमन कमेटी की एक मीटिंग नहीं बुलाई। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कोई भी ऐसा तरीका अपनाया नहीं कि भाई मालेगांव शहर के अंदर पिछले कई दिनों से कोई ना कोई घटना घट रही है, छोटी मोटी या बड़ी, लेकिन उसके ऊपर आज तक उन्होंने अमन के लिए कोई भी न पत्रकारों को बुलाया, न प्रिंट मीडिया को बुलाया, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुला करके या पुलिस डिपार्टमेंट को या इनको बुला करके कोई ऐसा कोई कारनामा उनके तरफ से नहीं बताया कि मालेगांव शहर के अंदर अमन रहना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि पालक मंत्री की भी ज़मीन सरक चुकी है और वो भी चाहते हैं कि मालेगांव शहर के अंदर कोई ना कोई ऐसा 2001 के जैसा दंगल घट जाए ताकि मेरी ज़मीन सीधी हो जाए। और वहीं लोकसभा का इलेक्शन अभी आ रहा है और ये जगह जो है धुलिया लोकसभा मतदार संघ की वो बीजेपी की है और इसीलिए बीजेपी भी उसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के, बल्कि मैं ये देखता हूँ कि मालेगांव शहर के बीजेपी के लोग जो है वो उसके अंदर कम, जैसे कहीं ना कहीं ज़्यादा पेश पेश नहीं रहते, लेकिन आरएसएस के लोग यहाँ के बोलो या बाहर से इनको लाना पड़ रहा दंगल घड़ाने के लिए। तो मैं मालेगांव शहर की हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से गुजारिश करूँगा कि हमको अमन कायम रखना है। हमने भी एक अमन के नाम पे 2 जुलाई को 1 बजे का परमिशन मांगा है। हाँ, इंसानियत बचाओ के नाम पे, और उसके ऊपर हमने भी परमिशन मांगा है उसी दिन, सेम डे। मैंने आज भी एडिशनल एसपी साहब से भी बात किया कि भाई हमको भी उसी दिन का परमिशन चाहिए। अभी 2 घंटा पहले उनसे मेरे मोबाइल के ऊपर बात हुई, उनसे बोला कि मैं अभी पत्रकार परिषद बुला रहा हूँ और मेरी जो बात है वो मैं अपनी बात रखूँगा। जो हमारा आगर रोड के ऊपर जो पहले से ज़्यादातर हमारे प्रोग्राम या कोई भी राजकीय प्रोग्राम हमारे होते थे, तो अपना जो दगड़ू आयल मिल है वहाँ से हम 1 बजे लोगों को 2 जुलाई को मेरा अमन पसंद आवाम से गुजारिश है कि अमन के नाम के ऊपर एक मोर्चा निकालना है। सभी शहरी हिंदू मुस्लिम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग वहाँ पे सब एक सफ़ेद झंडा लेकर के, अमन का झंडा लेकर के आप लोगों को वहाँ आना है केडी ऑफिस के सामने, और वहाँ से हम ये अमन का मोर्चा निकाल करके यहाँ से होते हुए डायरेक्ट गांधी जी के पुतले के पास हम जाने वाले हैं। और क्योंकि गांधी जी भी अमन चाहते थे और अमन के नाम पे उन्होंने अपना तरीका, और उनके साथ साथ हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लीडरान उस ज़माने के, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो या मोहम्मद अली जौहर हो या फिर उस टाइम के जितने भी ऐसे हमारे अमन पसंद हिंदू मुस्लिम लीडरान थे, उनके ही रास्ते के ऊपर हम चले गए और ये शहर के अंदर अमन कायम रहना चाहिए। पुलिस अगर परमिशन नहीं भी देती है तो मैं मेरे नेतृत्व के अंदर ये मोर्चा निकाल के वहाँ तक लेके जाने वाला हूँ। कितने बजे निकालेंगे? 1 बजे का आह्वान कर रहे हैं, 1 बजे जाएंगे 2 जुलाई को। तो ये जो नीतीश राणे आ रहे हैं उसके जवाब में है या फिर ये आपका प्रोग्राम अलग? नहीं, हमारा अपना प्रोग्राम जो है अमन के लिए। हम किसी के बहुत खिलाफ़ बोलने वाले नहीं हैं, बल्कि ये आमदार साहब की भी जिम्मेदारी है। खाली जिम्मेदारी मंत्री की, पालक मंत्री की नहीं है। इन्होंने कम से कम वोट दिए हैं राज्यसभा में और विधान परिषद में, कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। उनकी फ़ोटो भी ज़्यादा उद्घाटन गडकरी जी बुला लेते, पालक मंत्री ही बुला लेते, तो कम से कम इनकी भी जिम्मेदारी है ना। इनको जिम्मेदारी से बचना चाहिए ऐसा नहीं है, तो इनकी भी जिम्मेदारी है ना। ये तो अच्छी बात है कि कल नमाज हुई वहाँ उन्होंने मुख्तसर सा बोल दिया, किसको बोले पता नहीं, लेकिन वहीं अगर अमन की बात करे होते, वहीं अगर हिंदू पुलिस डिपार्टमेंट को परिचय बनाए होते क्या, तो ये तो राजकीय भाषण करते रहे। जब देखो जब ईद हो बकरीद हो, हैं, ये पहली टाइम बकरीद के अंदर देखा मैंने, हजरत अब किया आज को नहीं गए, है ना। 3-4 दिन से वो न्यूज़ चल रही थी
कि सब सुन्नत है, वहाँ आकर के नमाज ईदगाह के ऊपर अदा करना चाहिए, है ना। तो पहले नहीं बोलते थे, लेकिन अब के हज को नहीं गए तो वहाँ, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ाने वाला हूँ, मैं वहाँ पे तकरीर करने वाला हूँ, मजहबी तकरीर, और उसके साथ साथ सियासी तकरीर हमेशा करते हो, तो उनको तो इससे अच्छा मैदान मिलता ही नहीं क्या। तो इसके लिए मेरा उन पर भी आरोप है, उनको भी चाहिए कि जब तुमने वोट दिए दोनों टेम तीनों टेम, है ना, तो जाहिर सी बात है तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती। तुमने कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर बोलने को तो बस बोल देते आप, तो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर बनना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर मालेगांव शहर के अंदर कुछ भी वातावरण खराब होता है तो उसके जवाबदार नासिक जिले के पालक मंत्री दादा भुसे जी रहेंगे, साथ साथ में भाजपा के आमदार नीलेश राणी जी रहेंगे, और साथ साथ में पुलिस डिपार्टमेंट कलेक्टर, ये पूरे जवाबदार रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस मोर्चे को लेकर मतलब माना जा रहा है, ऐसा शक जाहिर किया जा रहा है कि कुछ हो सकता है, तो क्यों ना इस मोर्चे को ही रद्द करने की मांग की जाए। ये तो पुलिस डिपार्टमेंट की जवाबदारी, पालक मंत्री की जवाबदारी, सरकार में बैठे हैं, अंदर की जवाबदारी बोलना चाहिए कि बीजेपी की भी जमीन खसकी हुई है ना। लोकसभा में बहुत बड़े बड़े कारनामे मालेगा धुलिया मतदार संघ में करे नहीं उन्होंने भी, है ना, और ना ही पालक मंत्री कुछ कर बताए चार टाइम में, साहब ना अंदर कुछ कर पा रहे अपने। साहब आपने कहा परमिशन नहीं देंगे भी तो आप तो निकालूंगा ना, केस बनेगा मेरे पे, केस बनेगा ना, नई बात थोड़ी है, और केस बनाने से डरता हूँ क्या मैं। खराब होगा, आपने बोले कि पालक मंत्री जिम्मेदार रहेंगे, राणे जिम्मेदार रहेंगे, सेंट्रल हल्के के एमएलए जिम्मेदार रहेंगे, बोला ना जिम्मेदार रहेंगे ना, अभी खुद अंदर भी जिम्मेदार रहेंगे हमारे वहाँ के, नहीं तो उनको कल मौका था, और ये उसके दो दिन पहले से हवा चल रही है गांव के अंदर, वो कल बोल सकते थे ये बात वहाँ पे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, जिम्मेदारी है ना। उससे को फायदा होगा, दंगा अगर हो गया तो दादा उससे को फायदा होगा, यहाँ सेंट्रल में भी फायदा होगा। ये ऐसा है कि जब ये बोलेंगे ना, जब मालेगांव के अंदर बोलेंगे ना, अभी खामोश हूँ मैं, जब बोलेंगे कॉरपोरेशन का फायदा लेना रहेगा, असेंबली का, पार्लियामेंट का, असेंबली का फायदा लेना रहेगा। अब दादा भुसे साहब तो हारने ही वाले हैं, आवाम कुछ चाहती है, लेकिन इसीलिए वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मालेगांव के अंदर 2001 जैसा माहौल हो जाए, और मैं सभी वापिस गुजारिश करूंगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से कि कल सफ़ेद झंडा लेकर के आइए, अरे 2 जुलाई को है ना, और उसके अंदर शामिल रहे, और यहाँ से हमको गांधी जी के पुतले तक चलना है, अमन के तरीके से, घोषणाबाजी नहीं, अमन का बैनर रहेगा, खामोश खामोश, हाँ, और सभी झंडा रहेगा।